अगर मैं अपनी छोटी सी बालकनी में अगर वेजिटेबल्स ग्रो कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। यह गिलकी का प्लांट या फिर नेनुआ या फिर घिया भी इसको बोला जाता है, किस तरह से मैं इस प्लांट को ग्रो करी हूँ सीड से लेकर के तो हार्वेस्टिंग तक, इस जर्नी को मैंने रिकॉर्ड किया है। 2 महीने की जर्नी है और शायद 5-6 जितना भी मिनट का ये वीडियो जाएगा मुझे पता नहीं है, तो वीडियो को एंड तक देखना। इसमें पेस्ट भी लगा था बीच में, पेस्ट कंट्रोल कैसे किया है मैंने, पोलिनेशन कैसे कराया है और ये फ्रूट जो आया है हमारा ये किस तरह से आया है, सारी जर्नी मैंने रिकॉर्ड करी है। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और मोटिवेट भी आप शायद से थोड़े से हो जाओगे। आप अपनी छोटी सी टेरेस पे, छोटी सी बालकनी में, बहुत ही कम स्पेस में आप किस तरह से वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हो ये भी आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। मैंने ट्रेलीज भी बनाई है, ये एक बेल वाला पौधा होता है, तो ट्रेलीज का वीडियो मैं ऑलरेडी अपनी चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आप यहाँ पर कहीं पर आई बेल में दे दूँगी तो आप जाके चेक कर लेना। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। गिल्की को ग्रो करने का आज है day 1 और स्टार्ट करेंगे हम सीड से। बीज को मैंने ऑनलाइन मंगवाया है और एक पैकेट में 5 बीज आए, लेकिन मैं 2 ही बीज को बोने वाली हूँ ताकि एक जर्मिनेट ना हो तो दूसरा तो हो ही जाए। सबसे पहले हमें एक सीडलिंग मिक्स रेडी करना होता है और मिक्स के लिए 1 भाग कोकोपीट और 1 ही भाग वर्मी कंपोस्ट का मैं लूँगी और दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक छोटे से पॉट में डाल दूँगी। उसके बाद 1 इंच गहराई में बीज को लगा देना है, ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना है वरना जर्मिनेशन नहीं होगा। ऊपर से कवर कर देना है मिट्टी से और उसके बाद अच्छे से इसको मॉइस्चर देना है या फिर पानी देना है और उसके बाद इसको 2 दिन फुल सनलाइट में रखना है। बीज को जर्मिनेट होने के लिए टेम्परेचर और मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस बात का खास ध्यान रखें। उसके बाद 5 दिन के बाद जो ग्रोथ है वो इस तरह से होगी और ये है 10 दिन बाद की ग्रोथ। फॉल्स लीव्स ट्रू लीव्स दोनों आ गई हैं। पौधा इसी में पूरा बड़ा नहीं होगा, हमको इसको एक बड़े से ग्रो बैग में शिफ्ट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें मिट्टी बनानी पड़ेगी। तो पहले ये देख लेते हैं कि मिट्टी कैसे बनाते हैं। वैसे जो दूसरा बीज हमने लगाया था वो अभी भी जर्मिनेट नहीं हुआ है, इसलिए ज़रूरी है 2-3 बीज एक साथ लगाएं। मिट्टी बनाने के लिए कोई भी गार्डन सॉइल यूज़ करना, यहाँ की मिट्टी जो है वो पीली मिट्टी है, कहीं कहीं पर काली मिट्टी होती है। उसके अलावा रिवर सैंड या फिर बालू रेती भी इसको बोलते हैं, एक पीली बालू रेती भी होती है और एक ग्रे वाली है। उसके अलावा कोकोपीट यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ मैं ताकि मॉइस्चर अच्छा सा रिटेन रहे प्लांट में, और वर्मी कंपोस्ट। इन सबका रेशो मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। और एक अच्छा सा इसको मिक्स देंगे। कुछ चीज़ें ऑप्शनल होती हैं जो कि डालो तो चलेगा, नहीं डालो तो भी चलेगा। बोन मील, नीम खली, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, लेकिन इससे मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ बन जाती है। एक 15x15 का ग्रो बैग मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और जो ड्रेनेज होल थे वो काफ़ी छोटे आए थे तो मैंने बड़े किए हैं, और जो अपना पॉटिंग मिक्स बनाया था उसको मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी। आप चाहो कि आपका जो बैग है वो बहुत ज़्यादा भारी ना हो तो आप नीचे पत्ते भी बिछा सकते हो या फिर जो गत्ते आते हैं उसको भी डाल सकते हो। उसके अलावा जो मिट्टी है वो इस तरीके दिखेगी और हमने प्लांट को ट्रांसप्लांट कर दिया है। प्लांट को ट्रांसप्लांट करने का आज है 20वां दिन और जो प्लांट की ग्रोथ है वो इतनी हो गई है, आप देख सकते हो। उसके बाद 25 दिन के बाद जो ग्रोथ थी प्लांट की वो थोड़ी और बढ़ गई है और इस प्लांट को अब सपोर्ट चाहिए। अब चाहिए इसको क्रीपर नेट, क्योंकि ये बेल वाला पौधा है तो इसको ऊपर सपोर्ट चाहिए क्रॉल होने के लिए। रनर्स को अब सपोर्ट चाहिए और इसीलिए मैं क्रीपर नेट बनाऊंगी। क्रीपर नेट का ऑलरेडी एक वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो यहाँ पे कोई भी बेल वाला पौधा होता है उनको सपोर्ट चाहिए होता है, और कुछ लोग होते हैं कि सीधी रस्सी चढ़ा देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं इसीलिए यहाँ पर अगर आप एक ज़्यादा एरिया दोगे प्लांट को तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। यहाँ पर 2 पौधे थे तो दोनों को मैं यहाँ पर लगा दूंगी, और उसके बाद आप देख सकते हो जो रनर्स है उन्होंने अच्छे से जूट की रस्सी को पकड़ लिया है। और कुछ टाइम के बाद आप ये नोटिस करोगे कि इतने अच्छे से पकड़ लेते हैं ना रनर्स की, बारिश हो, आंधी तूफान हो, कुछ भी हो, वो गिरते नहीं हैं। और रात के टाइम पे मुझे सब्र नहीं हुआ था तो मैंने यहाँ पे फूल आके देखा था, तो इसमें से अब फ्लावरिंग भी होने लग गई है। और अगले सुबह जब मैं आके देखी तो ये जो फूल था वो खिल चुका था। ये मेल फ्लावर है और इसमें अभी थोड़ी चींटियाँ लग चुकी हैं जो कि एक बुरा साइन है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपनी चैनल पर बनाया है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। कुछ कुछ तरीके हैं जो ऑर्गेनिक तरीके हैं, इनऑर्गेनिक तरीके हैं, दोनों मैंने अपनी
वीडियो में बताया है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। इन सबको करने के बाद ना फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही थी प्लांट में, मेल फ्लावर्स फीमेल फ्लावर्स भर भर के आ रहे थे। लेकिन सबसे पहले मेल फ्लावर्स आते हैं, फीमेल फ्लावर्स पत्तों के पीछे छुपी हुई होती हैं और इसीलिए हमको उनको सर्च करना होता है। इस तरह के जो फ्लावर्स होंगे आप देखोगे ये मेल फ्लावर है, इसमें पीछे गिलकी नहीं लगी हुई है। लेकिन अगर फीमेल फ्लावर होगा तो उसके पीछे गिलकी लगी हुई होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि पीछे मैं ऊपर आपको एक कैमरे का फोकस दिखा रही हूँ, छोटी सी गिलकी आपको दिख रही होगी और उसके आगे एक फ्लावर लगा होगा। और इसको हमें करना होता है हैंड पोलिनेशन। अगर आपके यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज या फिर पोलिनेटर्स आते हैं तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर कोई भी अगर आपके यहाँ पे नहीं आ रहा है मेहमान, तो आपको इस तरीके से हैंड पोलिनेशन करना होगा, मेल फ्लावर्स को निकाल के फीमेल फ्लावर से टच करवाना होगा। उसके बाद फ्लावर जो है वो सूख जाएगा और इस तरह की जो है आपकी छोटी सी गिलकी है वो आपको दिखने लगेगी। अगर पोलिनेटर नहीं आते हैं और आपका पोलिनेट नहीं होता है तो फिर जो गिलकी है वो खुद ब खुद गिर जाएगी, शेड हो जाएगी और ये आपका वेस्ट हो जाएगा जो वेजिटेबल है। तो फ्लावर्स को ज़रूरत है आपको हैंड पोलिनेशन कराने की, इसलिए मेल फ्लावर्स को तोड़ के फीमेल फ्लावर्स से आपको पोलिनेट करवाना पड़ेगा। तो इस तरीके से पोलिनेशन होता है, चाहें तो आप पोलिनेटर्स कर सकते हैं लेकिन आर्टिफिशियली हम लोग भी कर सकते हैं। अब जब फ्लावरिंग आ रही थी तो मैंने यहाँ पे जो सूखी चाय पत्ती होती है, ये गीली है अभी और ये जब सूख जाएगी तो अलग सा इसका टेक्सचर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको स्टोर भी करके रख सकते हो, तो एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। और ये मैं हैंडफुल अपने प्लांट के अंदर डाल रही थी। और ये है कैल्शियम नाइट्रेट, इसको भी मैंने पानी के अंदर घोल के डाला है। जब भी फ्रूटिंग दिखती है तो हमें उसके अंदर फर्टिलाइज़र ऐड करना होता है। और यहाँ पे कुछ दिन के बाद जो ग्रोथ है वो इस तरीके से दिखाई दी, और उसके बाद कुछ दिन के बाद जो गिलकी थी वो बड़ी हो गई थी और अभी साइज़ इसका इस तरीके से है। ये पहला ही गिलकी का प्लांट है और पहला ही गिलकी का वेजिटेबल है जो अभी आया है, बाकी अभी फीमेल फ्लावर्स इसमें नहीं आए हैं, सारे मेल आ रहे हैं। और ये आफ्टर 2 मंथ्स ये रिज़ल्ट है पूरी गिलकी का और ये हार्वेस्ट होने के लिए रेडी है। इसमें फ्लावर्स अभी भी हो रहे हैं जो कि मेल फ्लावर्स ज़्यादा आ रहे हैं, फीमेल्स बहुत कम आ रही हैं अभी और वो छुपी हुई हैं। और अभी प्लांट इतना बड़ा नहीं हुआ है, मैंने बहुत बड़ी सी क्रीपर नेट बनाई थी, छोटा प्लांट ही है अभी, लेकिन फिर भी इसने मुझे फ्रूटिंग करके दी है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये था मेरा मिनी हार्वेस्ट। आपने गिलकी लगाना सीख लिया है तो मेरी चैनल पे गार्डनिंग से रिलेटेड काफी वीडियोस हैं, चैनल पे एक बार जरूर विजिट करना और गार्डनिंग सीखना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड बाय बाय।